औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि तमाम दोस्त सब खैरियत से होंगे। तो कल मैंने वैक्सीन लगवाई थी, तो वैक्सीन का मुझे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि पहली जोन सी मैंने वैक्सीन लगवाई थी उसका मुझे साइड इफेक्ट हुआ था, मुझे बुखार हो गया था। तो कल अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कुछ नहीं हुआ। तो जो मेरे चैनल पे नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन कैंडी को बजा दें। और चलें जी, आज आपका अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैं काम पे आ चुका हूँ हरम शरीफ में इस वक्त, और ड्यूटी का टाइम हो गया मेरी। तो आइए आपको हरम शरीफ की ज़्यारत करवाते हैं। ये जी हरम शरीफ माशाल्लाह। और आज इन्होंने, क्योंकि आज किधर गुड न्यूज़ ये है कि इन्होंने काफ़ी जोन सी ना मुश्किलात थी इधर फिज़िकली, कुछ तो फासले की, क्योंकि इन्होंने नमाज जोन सी है 2 किलोमीटर पे पढ़ा रहे थे, 2 मीटर पे, सॉरी 2 मीटर पे इन्होंने फासला रखा हुआ था, तबाह रखा हुआ था। तो आज इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म कर दिए 17 अक्टूबर को। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और भी काफ़ी अच्छी खबरें हैं, काफ़ी अच्छी न्यूज़ हैं पाकिस्तान से हाजियों को आने के लिए। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक वैसे ही जैसे पहले था, अल्लाह का घर जो उनसे तो उनके थी, तो वैसे ही अल्लाह पाक अपने घर की रौनकों को बहाल करे। जी मसवाक बेच रहे हैं। और ये है जी इब्राहिम खलील का रोड, क्योंकि हमारे अक्सरियत जोन से ना, ज़्यादा से ज़्यादा जोन से हाजी आते हैं इधर सऊदी अरब में, उनका रास्ता यही है। तमाम होटल्स वगैरह वो इस तरफ ही हैं, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, जितना भी हाजी आता है वो सभी को इधर इन्हीं होटलों में ठहराया जाता है, क्योंकि ये जोन सा ना मेन पॉइंट है इनका। ये सारे हाजी आ रहे हैं, इराक से आए हुए हैं इधर। अभी तक सिर्फ इराक और बांग्लादेश का उमरा ज़्यादा अक्सरियत से आ रहा है, क्योंकि अभी पाकिस्तान और इंडिया का उमरा इन्होंने ओपन नहीं किया। ये बांग्लादेश के हाजी आ रहे हैं और ये इराक के हाजी हैं। और यहाँ पर टाइम हो चुका है जी 11:25, अजान के टाइम में अभी आधा घंटा पड़ा हुआ है। तो ये देखे हाजी माशाल्लाह इंटर हो रहे हैं ऊपर जाने के लिए, क्योंकि नमाज जोन सी है ये ऊपर पढ़ाई जाती है, नीचे हाजियों को इजाज़त नहीं है नमाज पढ़ने की। और ये देखें जी, ये बांग्लादेश से हाजी आए हुए हैं। इंशाल्लाह ये भी खुशी है कि ये आए हुए हैं, लेकिन जब अपने पाकिस्तान के हाजी आएंगे वो डबल खुशी होगी, वो तो खुशी इंतहा की खुशी होगी जब हमारे पाकिस्तान से हाजी आएंगे अल्लाह के घर में उमरा के लिए। और ये देखें, ये भी माशाल्लाह ग्रुप आया हुआ है उज़्बेकिस्तान से उमरा के लिए, माशाल्लाह। और यहाँ से जी उमरे की एंट्री हो रही है, जिनके पास उमरे की अपॉइंटमेंट है वो उमरे के लिए एंटर हो रहे हैं। तो मैं भी इंशाल्लाह कल उमरा करूँगा, क्योंकि मेरी अपॉइंटमेंट है 12 रबीउल अव्वल की, तो इंशाल्लाह मैं कल उमरा करूँगा। अल्लाहु अकबर।
हरम में इस वक्त खड़ा हूँ। तो अभी असर का टाइम, असर की नमाज हुई है। ये जी हरम में मैं खड़ा हूँ। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल व्यू है हरम शरीफ का। और अभी थोड़ी देर पहले असर की नमाज हो के हटी है। और ये देखें, और यहाँ पे ये देखें जनाजा जा रहे हैं, इनका जनाजा पर आ गया। ये वो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, उनमें लेके जाएंगे इनको। ये देखें इधर से लेके आ रहे हैं। अल्लाह पाक इनको जन्नतुल फरदौस में अल्लाह मुकाम अता फरमाए। ये देखें जी माशाल्लाह इशा की नमाज के बाद इधर नमाजी निकलें, हाजी निकलें। यहाँ पर इशा की नमाज ख़त्म हुई है। ये देखें ये ऊपर से भी हाजी आ रहे हैं। माशाअल्लाह अल्लाह पाक इसी तरह अपने घर की रौनकों को आबाद रखे। बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हमें पता है हमने इधर 2 साल कैसे गुजारे हैं।